नमस्कार, वक्त है आज की ताजा तरीन खबरों का। तो डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों को वीडियो शेयर कर घंटी बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। खबर दोस्तों, डबल हो सकती है पेंशन की रकम, उम्र सीमा भी बढ़कर होगी 50 साल। दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। अटल जी के जन्मदिन पर सरकार देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने का विचार कर रही है। दरअसल वित्त मंत्रालय अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 10,000 रुपये पर विचार कर रही है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय इस स्कीम की उम्र सीमा को भी बढ़ाकर 50 साल करने पर विचार कर रही है। अटल पेंशन योजना के तहत मौजूदा दौर में इस स्कीम के तहत नॉन ऑर्गेनाइज्ड में काम करने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। अभी इस स्कीम का हिस्सा 18 से 40 साल की उम्र के लोग बन सकते हैं। पेंशन रिटर्न की बात करें तो अभी इस स्कीम के तहत 60 साल की उम्र के बाद लोगों को 1,000 रुपये और से 5,000 रुपये पेंशन मिलती है। बड़ी खबर दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होगा आईपीएल फाइनल, गवाह बनेंगे 1,00,000 से ज़्यादा लोग। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अगले सीजन की अभी ऑक्शन खत्म हुआ है। आईपीएल का 13वां सीजन कब शुरू होगा और इसकी डेट्स अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आईपीएल 2020 का फाइनल मुकाबला कहां खेला जाना चाहिए। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 2020 का फाइनल मुकाबला होगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में बने सरदार पटेल स्टेडियम में आईपीएल 2020 का फाइनल मुकाबला होना चाहिए, जिससे कि बीसीसीआई को भी फायदा होगा। दोस्तों, बता दें कि मोटेरा के नाम से मशहूर इस स्टेडियम को दोबारा बनाया गया है, जिसकी दर्शक क्षमता 1,00,000 के पार है। इसी स्टेडियम में आईपीएल का फाइनल कराने की मांग जोरों पर है। खबर दोस्तों, क्रिसमस की जश्न पर फनफोन तूफान ने फेरा पानी, 16 के मारे जाने की आशंका। दोस्तों, जहां एक तरफ 25 दिसंबर को दुनिया भर में धूमधाम से क्रिसमस मनाया गया, तो वहीं एशियाई देश फिलीपींस के कई इलाकों में तूफान फनफोन ने जश्न में भंग डाल दिया। इस तूफान की तबाही के कारण कम से कम 16 लोगों की जान चली गई है। कैथोलिक बहुल देश मध्य प्रांत में आए इस तूफान ने लाखों लोगों के क्रिसमस के जश्न पर ग्रहण लगा दिया। जानकारी मिल रही है कि इस देश में यह तूफान मंगलवार की शाम पहुंचा था, इसके बाद बुधवार को इसने जमकर तबाही मचाई। हालात ऐसी थी कि इसमें हजारों लोग फंस गए। तूफान की आशंका में कई लोगों को ऊंचाई पर बने राहत शिविरों में पहुंचाया गया। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक ये शिविर स्कूल, जिम और सरकारी इमारतों में बनाए गए हैं। इसमें 16,000 से अधिक लोगों ने रात बिताई। खबर दोस्तों, पेट्रोल और डीजल हुए महंगे, कीमतों में आई तेजी। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में गुरुवार को तेजी आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई महानगरों में ये दोनों उत्पाद महंगे बिक रहे हैं। पेट्रोल के भाव में करीब 5 से 6 पैसे और डीजल के भाव में करीब 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, भिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल किस कीमत पर बिक रहा है। दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल का भाव बढ़कर 74.68 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है और डीजल 10 पैसे की तेजी के साथ 67.09 रुपये प्रति लीटर पर आ गया। कोलकाता की बात करें तो यहां गुरुवार को पेट्रोल 5 पैसे की तेजी के साथ 77.34 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 10 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 69.50 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। उधर मुंबई में गुरुवार को पेट्रोल 5 पैसे की बढ़त के साथ 80.34 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 11 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 70.39 रुपये प्रति लीटर हो गया। चेन्नई की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 6 पैसे की तेजी के साथ 77.64 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 11 पैसे की तेजी के साथ 70.93 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। खबर दोस्तों, लाखों लोगों ने देखा वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण। दोस्तों, इस 26 दिसंबर को वर्ष 2019 का अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ा। यह साल का तीसरा सूर्य ग्रहण था, लेकिन पूर्व सूर्य ग्रहण के रूप में यह साल का पहला ग्रहण था। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण सुबह 8:17 से 10:57 तक रही। यही वजह है कि वैज्ञानिकों के लिए और खगोलीय घटनाओं पर नजर रखने वालों के लिए इस दिन के बेहद खास मायने थे। इस दौरान वैज्ञानिक सूर्य के वायुमंडल की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। इसको भारत समेत दुनिया के कुछ देशों में लाखों लोगों ने देखा। इसका दीदार करने वालों में पीएम मोदी भी शामिल थे।
इससे पहले इस साल 6 जनवरी को 2 जुलाई को आंशिक सूर्यग्रहण लगा था, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं दिए थे। यह सूर्यग्रहण वलयाकार था। दोस्तों, वर्ष के इस अंतिम सूर्यग्रहण को भारत समेत नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, चीन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में असर दिखाई। भारत के कुछ भागों में आंशिक सूर्यग्रहण ही देखा गया। इस सूर्यग्रहण की कुल अवधि करीब 3.5 घंटे की रही। खबर दोस्तों, अर्जुन मुंडा की सलाह, हार से विचलित ना हो कार्यकर्ता, मजबूती से जुट जाएं। दोस्तों, साक्ची स्थित थालभूम क्लब में अटल विचार मंच ने अटल जयंती मनाई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में मुंडा ने कहा कि चुनाव में हार जीत और आना जाना लगा रहता है, यह लोकतंत्र का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों से कार्यकर्ता विचलित ना हो, बल्कि पहले से भी अधिक जोर शोर से कार्य में लग जाएं। पार्टी में कार्यकर्ताओं की अंदरूनी नाराजगी पर पूछे गए सवाल पर मुंडा ने कहा कि आज आंतरिक प्रतिबद्धता की जरूरत है, ताकि बेहतर तरीके से कार्य किया जा सके। वैसे संगठन की बातें संगठन के उचित फोरम में होगी, कार्यकर्ता मजबूती के साथ अच्छा कार्य करते रहें। खबर दोस्तों, इनकम टैक्स रेट घटाने की तैयारी में सरकार, सेलेब्स पर किया जा रहा है विचार। दोस्तों, 1 फरवरी से बजट 2020 पेश किया जाएगा, इसके लिए सरकार की ओर से तैयारी शुरू हो गई है। इस बार सरकार के सामने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में जान डालने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए सरकार कई अहम कदम उठा सकती है। जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स से जुड़े कई प्रस्तावों को आंखों के सामने ला रही है, जिसमें नए स्लैब बनाने और पर्सनल इनकम टैक्स रेट को कम करने जैसे प्रस्तावों पर बड़ी ही गंभीरता से विचार कर रही है। आपको बता दें कि जब से सरकार की ओर से कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की है, तब से इनकम टैक्स में कटौती करने का विचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार फाइनेंस मिनिस्ट्री सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पर निर्णय से पहले सभी प्रस्तावों के बारे में, उनके नफा नुकसान के बारे में विचार कर रही है। साथ ही इस बारे में भी विचार किया जा रहा है कि उन प्रस्तावों और रियायतों की कॉस्ट कितनी होगी। यह सब 1 फरवरी से करीब 1 महीने पहले तक तय कर लिया जाएगा। खबर दोस्तों, अल्पसंख्यकों की धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। वहीं सऊदी अरब, ईरान और चीन के साथ पाकिस्तान को अमेरिका ने वैसे देशों के तौर पर उल्लेख किया है जो धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन करते हैं। अमेरिका ने पिछले हफ्ते 18 दिसंबर को पाकिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों की श्रेणी में रखने का ऐलान किया था। हालांकि प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस पर एतराज़ जताया है। इसके अलावा इस सूची में भारत को न रखने पर अमेरिका को पाकिस्तान ने पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया है। पाकिस्तान के साथ म्यांमार, चीन, इरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। खबर दोस्तों, चीन का दावा, पुलवामा के बाद की थी भारत पाक तनाव दूर करने की कोशिश। दोस्तों, पुलवामा आतंकी हमले के बाद चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता के जरिए तनाव और मतभेद कम करने के प्रयासों में मदद की थी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अब अपने देश की पर्दे के पीछे से निभाई गई इस भूमिका को उजागर किया है। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक समाचार पत्र पीपुल्स डेली को दिए साक्षात्कार में वांग यी ने 2019 में चीन की कूटनीतिक उपलब्धियों के बारे में बताया है। इसी क्रम में वांग यी ने पुलवामा हमले का सीधे तौर पर जिक्र किए बिना कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव चरम पर था, तो चीन ने अपने विदेश उपमंत्री कोंग जुआन यू को पाकिस्तान भेजकर उसे संयम बरतने के लिए समझाया था। वांग के इस साक्षात्कार की प्रतियां चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को मीडिया को वितरित की। खबर दोस्तों, तूफान ने क्रिसमस के दिन मचाई फिलीपींस में तबाही, अब तक 16 लोगों की ले चुका है जान। दोस्तों, क्रिसमस के दिन फिलीपींस में आए एक भयंकर तूफान ने तबाही मचाई है। क्रिसमस के दिन फिलीपींस के दूरदराज के गांवों और पर्यटन क्षेत्रों में चल रहे तूफान फेनफोन ने अब तक 16 लोगों की जान ली है। टाइफून फेनफोन के कारण 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं ने घरों की छतें उखाड़ फेंकी। इस तूफान की वजह से फिलीपींस के कई इलाकों में बिजली कटौती की है। इंटरनेट और मोबाइल फोन नेटवर्क अभी भी कुछ बुरी तरह से प्रभावित हैं। कई क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कट गए हैं। फेनफोन तूफान की वजह से हुए नुकसान का पूरा आकलन गुरुवार सुबह तक नहीं हो पाया है। आपदा एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार फिलीपींस के मध्य तीसरे विषय में गाँवों और कस्बों में कम से कम 16 लोगों के
मारे जाने की पुष्टि की गई थी। फेनफोन ने बोर के कोरन और अन्य पर्यटन स्थलों में भी तबाही मचाई, जो अपने सफ़ेद रेत समुद्र तटों और विदेशी पर्यटकों के साथ लोकप्रिय हैं। कोरियाबो के हवाई अड्डे, जो बोराके की सेवा करता है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।